रविवार को पलिया तहसील क्षेत्र के गांव लालपुर ढाका में उस समय कोहराम मच गया जब घर के अधिकतर मर्द मजदूरी करने के लिए खेतों पर गए हुए थे। इस बीच दोपहर करीब 2 बजे छोटेलाल नामक ग्रामीण के घर किसी तरह आग लग गई। तेज हवाओं के चलते कुछ ही मिनटों में आग की लपटों से पूरा गांव जलने लगा। जब तक घर के ग्रामीण कुछ कर पाते तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। आग की लपटों से बचने के लिए ग्रामीणों खेतों में आ पहुंचे। इसी बीच अनेक घरों में रखा घरेलू सारा सामान सहित घारियों में बंधे पालतू जानवर बुरी तरह से जल व झुलस गए। देखते ही देखते पूरा गांव आग के धुएं की धुंध में गिर गया। महिलाओं से लेकर युवतियों व बच्चे खौफजदा हो उठे और दहाड़े मार मार कर अपने घर को जलते देख रोने लगे। भीषण आग लगने की सूचना मिलते ही SDM इंद्रकांत द्विवेदी व कोतवाल विपिन सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने तुरंत आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन को सूचना देते हुए तत्काल आने की बात कही, लेकिन तब तक आग की चपेट में फंसा गांव एक का एक घर राख के ढेर में बदल चुका था। ग्रामीणों के मुताबिक आग से करीब 200 से अधिक घर जलकर राख हुए हैं। सूचना पर पहुंचे कोतवाल विपिन सिंह ने पुलिस या रोप को छोड़कर इंसानियत को अहमियत दी। कोतवाल अपने पूरे स्टाफ के साथ नलों से बाल्टियों में पानी भरकर आग बुझाने में जुट गए। कोतवाल के इस कार्य की उनके स्टाफ के अलावा ग्रामीणों ने भी काफी सराहना की। आज दोपहर 2 बजे करीब अचानक हमारे गांव लालपुर से आग लगी, जिसने बहुत ही कम समय में तेज हवा के कारण व्यापक रूप ले लिया, जिसमें हमारे लालपुर गांव के करीब 200 घर पूरी तरह से और ढाका के करीब 50 घर पूरी तरह से जल के छत हो गए, जिसमें जानमाल का नुकसान भी हुआ है। जानवर, बकरियाँ, अनाज सब कुछ जल के राख हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। मेरी सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि हमारे इन ग्रामवासियों को अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाए ताकि इनका जो इस टाइम पुनर्वास कायदे से और तरीके से हो सके। लीजिए, यार लालपुर ढाका गांव में आग लगी है, आग से लगभग कितने घर जले होंगे? 250 घर जल गए हैं लालपुर ढाका में। घर का गृहस्थी समाज जितना वो सब जल गया, बच्चा खुलने ट्रैक्टर भी जल गए, जानवर भी जल गए। आप सरकार से क्या, आपकी अपील है, क्या कहना चाहेंगे, क्या गुहार लगाएंगे सरकार से? क्या आप ये जो हुआ नुकसान सरकार भाई जो हो सके दे देना, दे सरकार होगा।